और ये ब्लैक साड़ी बहुत जच रही है आप पे। काला तो हमने भी पहना। अरे आप पहनी थोड़ी है। अपनी नजम याद कर रही है? क्यों, अपनी नजम याद करने में कोई बुराई है क्या? हमें तो अपना कलाम सारा याद है, ज़बानी। आपका कलाम किसे याद नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि किसे किसे याद नहीं है। अरे आफाकी साहब, शहरियार साहब, ये अहमद ज़रियाब साहब कहाँ रह गए? अरे मोहसिन मियां, कोई फोन वोन करे उनको, बहुत देर हो गई है। क्या तरीका है? माजत चाहता हूँ भाई, थोड़ी देर हो गई है। अरे वाह 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 वाह, बड़ी लंबी उम्र पाई है भाई आपने। अरे माशाल्लाह, बिटिया भी साथ आई है। हुस्ना हुसैन हुस्नी नाम है, उभरती हुई शायरा है, मुशायरा पढ़ेंगी आज। तो ये आपकी कोई नई दरियाफ्त है? पर नई पुरानी तो आप जाने, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि टैलेंटेड शायरा है, आज आप सुन लीजिए। अहमद ज़रियाब साहब, देख लें, चेक नहीं मिलेगा इनको, ये मामलात अलग होते हैं। अरे मोहसिन साहब, इन बातों को छोड़िए, आप इनको भिजवाइए, इनका मेकअप करवाइए, इनके कपड़े चेंज करवाइए और फिर इनका कलाम। ये क्या तरीका है अहमद ज़रियाब साहब, हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। एक तो आप आए देर से हैं, ऊपर से पता नहीं किसको उठा कर ले आए हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि उनको तैयार होने के लिए भेजना है। हम सब मसरूफ लोग हैं। सही बात है, ये सही बात है। जूनियर्स की हौसला अफजाई करना हम सबका फर्ज है। क्यों रिजी साहब, अब जो भी करना है जरा जल्दी कीजिए, वैसे ही बहुत देर हो गई है। भाई आप इनको भिजवाइए ना, इनका मेकअप करवाइए, इनको अच्छा सा ड्रेस दीजिए। रुखसार, इनको लेके जाएं, इनके कपड़े चेंज कराएं और मेकअप करवाएं, और मिशाल से बोल के कोई अच्छा सा ड्रेस निकलवाइएगा। अरे रिजवी साहब, इनका तो लिपस्टिक और काजल से ही काम हो जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग नहीं करानी पड़ेगी। ये क्यों पहनी साहिबा? फाकी साहब, आप इनकी उम्र पे मत जाइएगा, बस कलाम सुनिएगा इनका। जी जी।